ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିତି ଆଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ବିକଜ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ଦିସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଜ ଖୁଦକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସମଜ ରହି ହୁଁ କି ୟହାଁ ପର ଆଇ ହୁଁ ଅର୍ ୟହାଁ ପର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେନେ ହେତୁ ମୁଝେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କିଆ ଗୟା ହେ ସୋ ମୈଁ ଚାହୁଁଗି କି ଫିର ସେ ଏକ ବାର ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଇସ୍ ପାବନ ଧରତୀ ପର ମୁଝେ ବୁଲାୟା ଯାଏ ଅର୍ ଆଜ ଆପ ସଭି କେ ସମକ୍ଷ ଚୁଁକି ମହାକାଲ କି ନଗରୀ ଉଜ୍ଜୈନ ସେ ଆଇ ହୁଁ ତୋ ମେରି ଶୁରୁଆତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହେଗୀ ଶିବ ସ୍ତୁତି ଉସକେ ବାଦ ମେ ତାଲ ତ୍ରିତାଲ ମେ ତରାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନେ ଚାହ ରହି ହୁଁ ଅର୍ ଚୁଁକି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କି ପାବନ ଧରତୀ ହେ ତୋ ମେରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କା ଅନ୍ତ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ମାଖନ ଚୋରୀ ସେ କରୁଁଗି ସାର୍ ଆଜ କା କ୍ଲାସିକାଲ ଡାନ୍ସ ହୋ ରହା ହେ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ଜୀ ଆଏ ହେଁ ବିଶ୍ୱମୋହନ ଭଟ୍ ଗ୍ରାମୀ ଅୱାର୍ଡି ହେଁ ଅର୍ ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ମୁଖାର୍ଜୀ ଗ୍ରାମୀ ଅୱାର୍ଡି ହେଁ ଗୀମା ଅୱାର୍ଡି ହେଁ ସୋ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ପରଫର୍ମେନ୍ସ କରେଙ୍ଗେ ଖୁସବୁ ପାଞ୍ଚାଲ ଜୀ ଆଇ ହେଁ ଓ ଉଜ୍ଜୈନ ସେ ଆଇ ହେଁ ଓ କଥକ ପରଫର୍ମେନ୍ସ କର ରହି ହେଁ ଆଣ୍ଡ ଶିଶୁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବାଲେ ବଚ୍ଚେ ସାରେ ଫୋକ ଡାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶୀ ଡାନ୍ସ ଓ ଏକ ଇଣ୍ଡିଆ କଲ୍ଚର କୁ ଦିଖାନା ପ୍ରମୋଟ କର ରହେ ହେଁ ଅର୍ ଓଡ଼ିଶା ପରିଷଦ ଲୋକ ଓ ବି ଓଡ଼ିଶୀ ଅର୍ ଫୋକ ଡାନ୍ସ କର ରହେ ହେଁ ଅର୍ जी सर ये हर साल जिस स्टेट में होता है उस स्टेट में रिपीट हर साल होता है और ये पैन इंडिया लेवल प्रोग्राम होता है जी सर हमारी ब्रांच दिल्ली में है बट ऑल ओवर इंडिया हम लोग इवेंट्स कराते हैं और हम लोग फॉरेन भी करा चुके हैं स्विट्जरलैंड में अब हम लोग दुबई कराएंगे सर इसके बाद सर IPF का बेसिकली मोटो ये है कि आर्ट एंड कल्चर प्रमोट करना जिन भी स्टूडेंट्स या जिन भी लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है वो बहुत अच्छे डांसर्स होते हैं म्यूजिशियंस होते हैं नमस्कार आप सबको पूरी वासी को मैं म्यूजिक कंपोजर एंड तबलिया प्रद्युत मुखर्जी मैं IPF के लिए लास्ट दो परफॉर्मेंस किया है एक दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में और साथ में अनूप जलोटा जी थे और उसके पहले बॉम्बे में मेरे जो वर्ल्ड फेमस जो बैंड है रिदिम एक्सप्रेस आप सब जानते हैं वो रिदिम एक्सप्रेस बैंड लेकर मैं इस्कॉन टेम्पल में जूहू में बजाया और IPF अभी इंडिया का नहीं इंटरनेशनल बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इधर का जो फाउंडर है मिस्टर श्याम पांडे जी इन्होंने म्यूज़िक लवर है इन्होंने म्यूज़िक के लिए बहुत काम कर रहे हैं और इंडियन हेरिटेज म्यूज़िक के प्रचार करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए सारे दुनिया में काम कर रहे हैं इन्होंने और यूथ को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जिसको कंसर्ट नहीं मिलते उन लोग को ये ऑर्गेनाइजेशन मेनली फोकस करते हैं उन लोग को ही प्रोग्राम देते हैं और मेरे तरफ से IPF को बहुत बहुत धन्यवाद ये काम के लिए और ये काम लेकर और भी आगे बढ़ाइए मैं हूँ और सारे दुनिया में जितना टॉप टॉप म्यूजिशियन है सब रहेंगे ये बहुत अच्छा काम है नमस्कार पूरी वासी के लिए और पूरी मीडिया को लिए के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार मैं विश्वमोहन भट्ट एक पद्म भूषण हूँ और मोहन वीणा का सृजन मैंने किया है और मुझे ग्रैमी अवार्ड मिला 94 में मैं आज पुरी में इस पवित्र स्थान पर उपस्थित हूँ IPF जो है उनकी ओर से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें मैं हिस्सेदारी ले रहा हूँ मुझे बहुत खुशी है कि IPF एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत नृत्य और सभी कलाओं को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं इससे कलाकारों को मंच प्रदान होता है जो नए आने वाले हैं उनको और साथ ही साथ जो एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं उनको अपनी कला का प्रदर्शन जनता के सामने करने का अवसर मिलता है तो ये एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट यहाँ पर शुरू हुआ है जो आज पुरी में मैं पहली बार अपना वादन IPF के सौजन्य से प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ ये जो चेष्टा करुछन थी IPF इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल इटा बहुत बहुत प्रशंसनीय कहीं ना ये प्राइवेट सेक्टर रे अछंती प्राइवेट रे पैसा रेज करके करुछन थी और जो मानको नॉर्मल चैनल रे गोटे प्रोत्साहन मिल पारि नाही लुकायत प्रतिभा रही ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ଯେଉଁଟା ବି ସେଇଟା ବି ଲୁକାୟିତ ହୋଇଯାଇଥାଇପାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟିଏ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ସେମାନେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଇ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି
पंडित विश्वमोहन भट को आनी सुनिक छोट पिला से आहरी से एनकरेज हे छड़ा जो मैंने परफर्म के पारि ना कि प्रतिभा अच्छी प्रचुर प्रतिभा अच्छी से चान्स दूसरी तेणु मुझे भावुची आईपीएफ गोटे बहुत भल कम कर प्रोत्साहन आहरी दि जावा कथा आने जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दौरान गोटे प्राइवेट संस्था है कि सहीटा भी मुझे भावुची इज बहुत